ध्यान दो, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या जी नाम है उसका? सुनिए, शांति बनाइए। और क्या है उसको समझिए, उसका जो मन में बात आ रहा है हमारे भी मन में बात आ रहा है। अरे उसका गलती नहीं है, उम्र का गलती है। सुनिए, अरे समझ रहे हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं है, ऐसे ठीक है, नहीं तो डॉक्टर से इलाज करना होगा। सुनिए बात है, हेलो भागना नहीं बताइए। चैप्टर जो आपको डबल चरण रेडिएशन मेटल खत्म हो गया, उसका क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन अभी बुक पर उसका चल रहा है। नेक्स्ट बात एटम, क्या नाम है? बड़ी खतरनाक आदमी। पहला क्वेश्चन है, सुनिए, इसका पूरा पूरा जो श्रेय हो जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है, थॉमसन चर्चा को जाता है। कहिए थॉमसन, हमारे दिमाग में शांति से सुनिएगा तो बढ़िया से भोजन करेंगे। आना सब जन्मे करते हैं, हमारा नाम है उसका एटम। पहला वर्ड में कोई आदमी से कुछ पूछ रहे हैं, बताना ये सब होता क्या है। सुनिए, क्वेश्चन आया कि आखिर एटम्स जो है वो होता क्या है। अरे बात समझ में, कोई भी चीज जो बना हुआ है वो सब क्या चीज से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ। मैटर किससे बना हुआ? एटम से बना हुआ। माने कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट क्या है? एटम इतना स्मॉलेस्ट है, इतना स्मॉलेस्ट है कि इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं तो नहीं तोड़ सकते, तोड़ नहीं है तो मामला खत्म। खत्म झुंडी तो एटम नहीं रहा कहते, एटम मतलब कि नॉट डिविजिबल। कहते नॉट डिविजिबल माने कोई ऐसा चीज, माने कोई पार्टिकल्स ऐसा जो डिविजिबल नहीं हो सके, जिसे आप मतलब इसको लोग तोड़ सकते हैं। तो तक लेकिन एटम्स इतना छोटा पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तोड़ नहीं सकते। तो तीन का साइन दीजिए और लिखिए। देखिए एटम वर्ड इज मेड फ्रॉम एटम वर्ड इज मेड फ्रॉम एटम्स, ATOMAS, एटम्स मेड फ्रॉम एटम्स, विच मीन्स इंडिविजुअल मतलब कि एटम्स जो होगा बाबू वो क्या होगा? इंडिविजुअल मतलब कि इंडिवाइडेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जॉन डाल्टन। कहते थे जॉन डाल्टन, उन्होंने पहला बार एक्सप्लेन किया। कहते हैं जॉन डाल्टन, सुनो, जॉन डाल्टन जो कहे कि दुनिया में
दुनिया में कोई भी मैटर जो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, मैटर जो बना हुआ है वो मेड है, कैसे है, मेड है एटम से, कैसे से, एटम से। इसी के नाम से कहा जाता है डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम। डाल्टन चाचा ने क्या बताए थे कि कोई भी दुनिया में चीज बना हुआ है वो किस से, कोई भी छोटा से छोटा चीज बना हुआ है मैटर, वो सब क्या चीज से बना हुआ है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या है उस मैटर में, कौन है, एटम। अगला साइन लिखिएगा, तीसरे साइन लिखिए, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, JOHN जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन known as Dalton theory of atoms, atomic theory कौन दिए थे, जॉन डाल्टन, इसी को क्या कहा गया, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर इज All matter is made of atoms. इसको हाईलाइट कीजिए, नीचे वाला पॉइंट को, कि दुनिया में जो भी चीज जो बना हुआ है वो किस से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हाईलाइट करिए, एक क्वेश्चन आगे पूछता है कि एटम्स पर सबसे पहला चर्चा करने वाला कौन है, जॉन डाल्टन, कौन है, जॉन डाल्टन, लेकिन एटम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, किसके बारे में, एटम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पहला बार जो डिस्क्राइब किया था वो कौन किया था, कौन किया था, जॉन डाल्टन, कौन किया था, अगला तीर में लिखिएगा डाल्टन्स वाज who attempt to describe the properties of atom, describe the properties of atoms, describe the properties of atom, माने एटम्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पहला बार जो बताया था वह कौन व्यक्ति है, जॉन डाल्टन। तब तो धीरे ध्यान सही से रखो, अगला नंबर बात फॉर्मूला समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हम लोग का एक दिमाग में क्वेश्चन ही आ सकता है, सर तो क्या चला, एटम्स का दाता कौन होगा, दाता मतलब समझे, तब होगा जॉन डाल्टन, कौन होगा, हाँ लिखना है, क्वेश्चन आता है जी, जॉन डाल्टन।
इतना सा लिखे ना डिस्कवरी ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ एटम क्या थी? जॉन डाल्टन। इसी में हाँ अगला थी कितने डिस्कवरी ऑफ एटम कौन क्या था? जॉन डाल्टन लिख किया था। कॉप लिया था सर, कॉप लिया था कि याद नहीं ये सभी थी। ठीक है सर, एटॉम्स डिस्कवरी में जॉन डाल्टन तो दिया था 1800 के आसपास, कितना 1800 सर, दूर तो ना कमजोर। अठारह सौ अर्ली लिखना लीजिए। अगर सुनिए सुनिए चर्चा करते हैं आगे आया जॉन डाल्टन। आप फिजिक्स में होमवर्क लिखिएगा और अति बुक निकालिए, हाँ अति उसमें चैप्टर में जाइएगा तो जे जे थम्सम अप मॉडल होगा, हेडिंग में होगा, देखिए जे जे थम्सम अप मॉडल, थम्सम पीने वाला नहीं, जे जे थम्सम, जे जे थम्सम अप, इसको रीडिंग करके आना है, करके क्या ना है, रीड करके आना, ठीक है ना? ये सब रीड किया, हाँ? उसको रीड करके ना कल वही पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ। अठारह और लिख लीजिए, 1800 दूध का कभी तीन देता है, एनसीईआरटी जो देगा वो ऑथेंटिक है, ठीक है ना? चलिए फिर मिलेंगे कल, एक मिनट रुक जाइए।